अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर दो तो आप पैसे घुमा सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। मान लीजिए आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड वन एंड क्रेडिट कार्ड टू, और दोनों की लिमिट 50,000 रुपए है। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड वन से एक महीने में 20,000 रुपए स्पेंड कर और मंथ एंड पे आपने क्रेडिट कार्ड टू से क्रेडिट कार्ड वन की पेमेंट कर ली, तो क्रेडिट कार्ड वन की लिमिट रिन्यू हो गई और जब क्रेडिट कार्ड टू का बिल आया तो आपने क्रेडिट कार्ड वन से क्रेडिट कार्ड टू की पेमेंट कर दी, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। प्लस क्योंकि आप टाइमली बिल पेमेंट कर रहे हो आपका क्रेडिट स्कोर भी इससे बढ़ता रहेगा। बट ये ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, लेकिन एक हैक है जो अलाउड है और बहुत से लोग इसे यूज कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स को डिले करने के लिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हाउ यू यूज दैट एजुकेशन इज योर डिसीजन, नॉट माइन, सो यूज इट विद कॉशन। ऑलमोस्ट हर पेमेंट ऐप के अंदर क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करने का ऑप्शन आता है। आपको सिर्फ इसमें अपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट डिटेल्स की जगह अपनी या अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट डिटेल्स डालने हैं और 1.5% की फीस देने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड से जितना चाहे पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं है, कोई लीज चेक नहीं है, एंड इट्स वर्किंग ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड्स। इस रील को फ्यूचर के लिए सेव कर लीजिए, शायद मैं इसे जल्दी हटा दूं।